फ्रेंड्स वेलकम बैक। इंडिया वर्सेस कनाडा, व्हाई कैनेडियंस हैव स्टार्टेड हेटिंग जस्टिन ट्रूडो। मैंने पहले ही कहा था कि इवन उनका मीडिया जो है ट्रूडो का मजाक उड़ा रहा है। बहुत पहले मैंने बता दिया था कि भैया ये चल रहा है, वो भी कह रहे हैं कि कैसा बंदा है ये कि बिना प्रूफ के वो आ गया बोलने के लिए और फिर कहता है कि इंडिया जो है वो हेल्प करे प्रूफ ढूंढने में। ये भी कमाल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमने एक वीडियो की थी इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में ही होगी जिसमें यूएसए के किसी सीक्रेट एजेंट ने पूरा एक फैंटास्टिक इंटरव्यू दिया और इस ट्रूडो के बारे में ऐसी ऐसी बातें की कि इतना मजा आ रहा था कि मतलब किसी और को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसी ने सब कुछ बोल दिया ट्रूडो के बारे में कि ये हरकतें ऐसी क्या क्यों कर रहा है और यूएसए क्या आप कितना इससे परेशान है। तो चलो वो जरूर देखना, मैं बता रही हूँ बहुत मजा आएगा। और उसमें ट्रंप और कमला दोनों का के बारे में भी बात की थी कि इंडिया के लिए कौन बेटर होगा। कमला जो है इंडियन ओरिजिन की है पर क्या वो बेटर चॉइस होगी इंडियंस के लिए देन ट्रंप की नहीं, तो उसको पता करने के लिए आपको जो है वो वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैंने किसको वोट देना है, वो पता करना है तो वो वीडियो ढूंढो कौन सी है और उसको देखो, कल लगी थी वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये मैं नहीं, कनाडा का एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर जस्टिन ट्रूडो पर एलिगेशन लगा रहे। वर्स्ट पीएम एवर, मोस्ट करप्ट पीएम एवर, आज जस्टिन पूरे कनाडा के मोस्ट हेटेड पीएम। ट्रूडो को ट्रूडो क्या बोल रहा है? ट्रूडो है, ट्रूडो पता नहीं था फ्रेंच को हाउ डू। लेकिन फ्रेंड्स इन्हीं के बारे में जब 2015 में ये पीएम बने थे तब जनता का इनके बारे में क्या ओपिनियन था? वेल जस्टिन ट्रूडो द नॉर्थ स्टार, यानी कि पूरे वेस्ट को डायरेक्शन मार्गदर्शन देने वाला सितारा। कुछ और लोगों की राय ये थी कि जस्टिन ट्रूडो न्यू यंग एज ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स, बापू का बच्चा था। आज क्या हो रहा है? आज यही अप्रूवल रेटिंग 64% से घटकर सीधा आधे से भी कम 31% पर आ गिरा है। और वेल ये तो मैंने सिर्फ अंदरूनी ओपिनियंस की बात की, इंटरनेशनली क्या चल रहा है? जस्टिन हैज सिंगल हैंडेडली मैनेज्ड टू ब्रेक कनाडा'स फ्रेंडशिप विद अदर कंट्रीज। यूएस ने तो ट्रूडो को वीक एंड मीक लीडर कह दिया है और चाइना का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें शी जिनपिंग जस्टिन को कैसे डांट रहे हैं। ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड होके वायरल हो गया था। एंड फाइनली जस्टिन के खुद के पार्टी के मेंबर्स भी यही चाहते हैं कि वो पीएम पद से रेजिग्नेशन ले लें। सो बेसिकली चाहे वो नेशनली हो जनता के सामने, इंटरनेशनली हो या दूसरे कंट्रीज के सामने इनकी इमेज हो, उनके खुद के पार्टी मेंबर्स के सामने इनकी इमेज हो, जस्टिन ट्रूडो हैज कंप्लीटली फेल्ड एज कनाडा'स पीएम। अब गाइस यहां तक तो जो भी हमने डिस्कस किया वो तो सब मीडिया की कही सुनी बातें हैं और आपको मालूम है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का स्टैंड हमेशा इंडिया के अगेंस्ट रहा है तो इस वजह से इंडियन मीडिया उसको बैश करने के कोई भी मौके छोड़ने नहीं वाली है। सो असल वजह क्या है? क्या उसी की जरा परेशान था, उसने इंटरव्यू में बोला तो था मीडिया इंडिया की जिस वजह से ये हेट फेस कर रहे हैं। और क्या वजह है कि इवन कैनेडियंस और इतने मैसिव लेवल पर इंटरनेशनली एंड नेशनली इन्हें हेट फेस करना पड़ रहा है? वेल काम करेगा वही होगा, बातों को एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे और जवाब आपके आंखों के सामने होगा। सो गाइस शुरू करते हैं कुछ अंदरूनी बातों से जो इतना लोगों के आंखों के सामने नहीं है। आज के तारीख में डिड यू नो कनाडा में एक हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। कैनेडियन मीडिया में पब्लिश रिपोर्ट्स के हिसाब से आज कनाडा में एक घर खरीदना इतना कॉस्टली हो चुका है कि इतने प्राइस में स्कॉटलैंड और स्वीडन में कैसल आ जाएगा, एक महल आप खरीद सकते हो। पिछले 20 सालों की बात अगर मैं करूं तो कनाडा में नेशन वाइड घरों के प्राइसेस 375% से बढ़ चुके और उनके टॉप सिटीज टोरंटो और वैनकूवर में तो ये 450-490% तक इंक्रीज हो चुके। यानी कि इफ वी पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव तो आज नेशन वाइड कनाडा में जो घर 20 साल पहले 10 लाख में खरीदा जा सकता था उसकी कीमत आज बढ़कर 3 करोड़ 75 लाख। जिनके पुराने घर होंगे तो बढ़ करोड़पति बना। पीएम से इस प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में पूछा गया तो यू वोंट बिलीव उनका जवाब क्या था। हाउसिंग फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एकदम पल्ला झाड़ने वाली बात। लेकिन कैनेडियन मीडिया के हिसाब से वहां के न्यूज आउटलेट्स ये बताते हैं कि ट्रूडो की इमिग्रेंट पॉलिसी डायरेक्टली हाउसिंग क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अब बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि टुडेव ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज ला रहा है, जो उसको पे छोटा है टुडेव अजीब सी फील होती है, क्या घातक असर पड़ेगा मीडिया हाउसेस ने कनाडा के बढ़ते हाउसिंग क्राइसिस और इमिग्रेशन पर एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें ये पाया गया कि 2015 में टुडेव के पीएम बनने के बाद से ही कनाडा हर साल 3 लाख से 4 लाख न्यू इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अनुसार 2019 में कनाडा ने दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज को भी शेल्टर दिया इस इमिग्रेंट फ्रेंडली एटीट्यूड के कारण, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा रिफ्यूजीज के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। इसीलिए अकेले पिछले साल में ही कनाडा में 2.9% का इंटेलिजेंट पीपल छोड़ दो कनाडा के इतिहास में 70 सालों का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है। एंड यू वोंट बिलीव इसमें 98% शेयर इमिग्रेंट्स का रहा है। सो बेसिकली टुडेव की इस इमिग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसी का प्राइस वहां की जनता पे कर रही है। आज की तारीख में कनाडा में जितनी तेजी से लोग आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में घर वहां पर काफी कम बन रहे हैं, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो जा रही है तो सप्लाई में एक बड़ा सा गैप आ जा रहा है। इनफैक्ट अपने कोलोराडो जैसा लग रहा है, खुद ये भी एक्सेप्ट किया था कि अगर इसी रेट से इमिग्रेंट्स का कनाडा में आना जारी रहा तो 2030 तक देश में 35 लाख घरों की कमी हो जाएगी। सो इसका मतलब ये क्रिस्टल क्लियर है कि टुडेव गवर्नमेंट की ये फॉल्टी इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से वहां का हाउसिंग सेक्टर क्रम्बल हो रहा है। तो अब बात आती है कि फिर टुडेव इस प्रॉब्लम से पलड़ा क्यों झाड़ रहा है? वेल, यही सवाल का जवाब तो लोगों को नहीं मिल रहा। ठीक ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है उनके हेल्थ केयर सेक्टर में भी, उनका हेल्थ केयर सेक्टर अबे फ्री होता है ना हेल्थ केयर, इनफैक्ट वहां पर डॉक्टर्स की यूके में तो होता है, कनाडा का नहीं पता मुझे, सैलरी से कट फ्री होता है डॉक्टर्स के लिए, सिमिलरली सैलरी से कट करते हैं टैक्स डॉक्टर। सो गाइस 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें वेटिंग लिस्ट होती है के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया में एक बूढ़ी कैनेडियन लेडी को अपने 82 इयर्स ओल्ड हस्बैंड के लिए डॉक्टर चाहिए, ऐसी एड न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी पड़ गई। जस्ट इमेजिन दैट, डॉक्टर के सर्विस के लिए एड पब्लिश करना पड़ रहा है, हमें भी करना पड़ेगा। एंगस रीड इंस्टीट्यूट के हिसाब से 68% कैनेडियन का ये मानना है कि पिछले डेकेड से यानी कि टुडेव गवर्नमेंट पीरियड से देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वेरी अनफॉर्चुनेटली सीबीसी न्यूज के मुताबिक यहाँ पर नॉर्मल सर्जरीज के लिए भी 22 मंथ्स का पेशेंट के लिए वेटिंग पीरियड है। डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज है यहाँ पर कि रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ रहा है। अब कनाडा जो कि G7 कंट्री है, सबसे खराब डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो आपको कनाडा में ही मिलेगा। इतने स्टूडेंट्स जाते हैं टू 2 डॉक्टर्स, मतलब हर 1000 लोगों के लिए सिर्फ 2 डॉक्टर्स ही मौजूद हैं। और इससे आप ये समझ सकते हो कि क्यों डॉक्टर्स इतना टफ जो बनाया है डॉक्टर बनना। अब दोस्तों यूएसए में भी कितना टफ है, वो तो पंगा सारा। ये करप्ट गवर्नमेंट है और ये इलेक्शंस को रिग भी करते हैं। सो कनाडा में एक मेजर स्कैंडल हुआ था बाय द नेम SNC-Lavalin स्कैंडल। इसमें टुडेव गवर्नमेंट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स और खुद पीएम टुडेव के की एड्स को उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिजाइन करना पड़ा था। इनफैक्ट ये चार्जेस इतने सिवियर थे कि ऑपोजिशन पीएम स्टेप डाउन करने की डिमांड कर रही थी। बेसिकली SNC-Lavalin कंपनी पर यह आरोप लगा कि उसने अफ्रीकन कंट्री लिबिया में $36 मिलियन के एक हाईली प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट को इलीगली हासिल करने के लिए लिबियन ऑफिशियल्स को ब्राइब किया। लाप्रेस न्यूज़पेपर के अनुसार लिबियन गवर्नमेंट को अपने साइड करने के लिए कंपनी ने 2008 में तब के लिबियन रूलर मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे सादी को सबसे पहले कनाडा विजिट पर बुलाया था, जिसके लिए फर्म ने $1.5 मिलियन खर्च किए थे। और फिर उसके बाद कनाडा में सादी की खातिरदारी के लिए कई प्रोस्टिट्यूट्स का इंतजाम किया गया जिसमें पूरे $22,600 का खर्चा आया। अब ऐसे इलीगल तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से लिबियन गवर्नमेंट को $98 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब कनाडा में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्राइब करके हासिल करना क्रिमिनल कोड के सेक्शन 426 के अंडर एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए 5 साल की सजा हो सकती है। सो दिस वॉज कम्प्लीटली इलीगल एंड अ करप्ट। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए इस मामले में एंट्री होती है जस्टिन टुडेव की। जस्टिन सबसे पहले तो कुछ इलीगल लूपहोल से कंपनी को बचाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कनाडा में डिफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट नाम का एक सेटलमेंट होता है जिसमें कुछ छोटे क्राइम्स के केसेस में कंपनीज पर फाइन लगाकर उन्हें बरी कर दिया जाता है और उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस केस में ये डिसीजन था तभी के कैनेडियन अटॉर्नी जनरल विल्सन रेबॉल्ट के पास। सो अब मजे की बात देखो, सीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से जस्टिन टुडेव देश के प्रधानमंत्री एक कंपनी के लिए केस में इन्वॉल्व अटॉर्नी जनरल को 11 बार अलग अलग तरीकों से प्रेशर डालने की कोशिश करते ताकि वो कंपनी उस इलीगल काम से बाइज्जत बरी हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर जस्टिन,
अटॉर्नी जनरल होते ही नहीं है। सो अब देखना जस्टिन क्या करता है। वो 2018 में रीमेडिएशन एग्रीमेंट्स नाम के एक नए लॉ को ही बना देते हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल द्वारा कोर्ट प्रोसिक्यूशन ही ओवरपावर हो जाता है। बेसिकली इस लॉ के मुताबिक कंपनी प्रोसिक्यूटर यानी इस केस में गवर्नमेंट के साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करके पेनल्टी देकर कोर्ट चार्जेस को बाईपास कर सकती है। मतलब कि एक तरह से जस्टिन ट्रूडेव ने यहाँ पर बहुत ही कन्वीनियंटली न्यू डिवोर्स भी तो हुआ उसे अपने फेवर में यूज भी कर लिया। अब जस्टिन ट्रूडेव पर नेक्स्ट एलिगेशन है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से ही 2015 और 2021 के इलेक्शन है। नाउ आई नो दिस इज अ मेजर एलिगेशन, बट लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल्स। सो 23 सितंबर 2023 को कैनेडियन न्यूज एजेंसी द नेशनल टेलीग्राफ के सीनियर जर्नलिस्ट डैनियल बोर्डमैन ने ओपनली ये बताया कि जस्टिन ट्रूडेव ने इंडिया से झगड़ा सिर्फ इसीलिए मोल लिया क्योंकि चाइना का जस्टिन ट्रूडेव को इलेक्शन में सपोर्ट था, उसका भांडा फूटने वाला था और उसे जनता को उस मुद्दे से कैसे भी करके डाइवर्ट करना था। Why don't you shift the spectrum from Chinese foreign interference being framed as a story of Indian foreign interference to cover up the real story which is Chinese interference. Similar stance एक दूसरे कैनेडियन ग्लोबल अफेयर्स एनालिस्ट और CNN के कॉलमनिस्ट माइकल बुकयॉर्किव का भी है। उन्होंने भी यही कहा कि ट्रूडेव ने इंडिया पर एक्यूजेशन सिर्फ खुद को चाइनीज इलेक्शन इंटरफेरेंस मुद्दे से बचाने के लिए लगाया है। अब ये कैनेडियन पॉलिटिकल एनालिस्ट ट्रूडेव पर ऐसे एक्यूजेशंस कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी द ग्रेट CSIS के लीक्स के बेसिस पर लगा रहे हैं। मतलब इसमें डेफिनेटली बहुत दम है। सो कुछ ऐसा हुआ था ना कि 24 फरवरी 2023 को कनाडा के दो मेजर न्यूज एजेंसीज द ग्लोब एंड टाइम्स और द ग्लोबल न्यूज को एक CSIS एजेंट ने एक एक्सप्लोसिव खबर लीक की। उन्हें उस एजेंट ने बताया कि ट्रूडेव और उसकी लिबरल पार्टी ने 2015 और 2021 के इलेक्शन जीतने के लिए चाइना से फंडिंग्स ली थी और इस पूरे फंडिंग का उस CSIS एजेंट ने मनी ट्रांसफर के स्ट्रिंग के साथ कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था इसके कंप्लीट डिटेल्स भी मीडिया को लीक कर दिए थे। जो ऑफकोर्स जस्टिन ट्रूडेव लिबरल पार्टी के पीएम कैंडिडेट घोषित होते ही वो चाइना के रेडार पर आ गए। 2014 में CSIS ने एक कॉन्वर्जेशन टैप किया था जिसमें कनाडा बेस्ड चाइनीज एम्बेसी के एक डिप्लोमैट और कनाडा बेस्ड चाइनीज बिलियनर जैंग बिन ये बात कर रहे थे कि आने वाले 2015 नेशनल इलेक्शन में ट्रूडेव की लिबरल पार्टी स्टीफन हार्पर को यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी को हरा कर फुल स्विंग में जीत हासिल करेगी और इसीलिए चाइनीज डिप्लोमैट ने बिलियनर जैंग बिन को ये इंस्ट्रक्ट किया कि वो ट्रूडेव फाउंडेशन में $1 million डोनेट करें जिसे चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें वापस से रीइंबर्स कर देगी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि ट्रूडेव फाउंडेशन असल में है क्या। सो लेट मी टेल यू, जस्टिन ट्रूडेव ट्रूडेव फाउंडेशन जो कनाडा की एक बड़ी एनजीओ है इसके एक्टिव मेंबर रह चुके हैं और आज भी उनके भाई अलेक्सेंडर ट्रूडेव ट्रस्ट का भाई भी है मेंबर है। अब शक्ल ही नहीं मैच कर रही। सरप्राइज, 2015 इलेक्शंस की चाइनीज प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडेव बहुमत से कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए और फिर इलेक्शन के ठीक 7 महीने यानी कि मई 2016 को टोरंटो में लिबरल पार्टी का फंड रेजर प्रोग्राम हुआ जिसमें बिलियनर जैंग बिन भी आए थे और इसी प्रोग्राम में जस्टिन चीफ गेस्ट थे। एंड इसी इवेंट के बस कुछ हफ्तों में टुडे फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल ने ये अनाउंस किया कि बिलियनर जैंग बिन और एक दूसरे वेल्दी चाइनीज बिजनेसमैन न्यू जेंशिंग उन्हें वापस से $1 million और डोनेट करने वाले हैं। अब उस CSIS एजेंट ने तो न्यूज एजेंसी को यह भी बताया कि वो पैसे एग्जैक्टली कहां पर खर्च हुए। उस $1 million में से $200,000 डायरेक्ट ट्रूडेव फाउंडेशन में गए, $50,000 XPM पियर ट्रूडेव और माउस प्रपोज स्टैचू बनाने के लिए गए और बचे $750,000 यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के चाइना विजिट स्कॉलरशिप ग्रांट में दिए गए। अब जाहिर है इस पूरे इन्फॉर्मेशन को फरवरी में दोनों एजेंसी ने पब्लिश किया। इंक्वायरी की मांग उठने लगी। इस पर सबसे पहले तो पीएमओ ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि जस्टिन ट्रूडेव को जैंग के डोनेशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं क्योंकि वो पीएम बनते ही ट्रस्ट के कामकाज से बाहर हो गए और ट्रूडेव ने कैनेडियन जनता से कहा कि पब्लिक इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद इस एलिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी एस्टैब्लिश करके रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। साउंड्स फेयर राइट? वेल
चेयरमैन मॉरिस रोजनबर्ग बनते हैं जो बाय द वे कौन होते हैं गेस करोगे, वो इंसान जो खुद 2014 से 2018 तक टुडे फाउंडेशन के वन ऑफ द चेयरमैन थे, पुलिस भी हुई और बाद में ग्लोब एंड टाइम्स को ये भी पता चला कि उसी मॉरिस ने ही मिस्टर जैंग से टुडे फाउंडेशन को पैसे दिलाने के लिए लॉबिंग यानी कि कन्विंसिंग किया था। अब ऑफ कोर्स जब ये बातें जनता के सामने आई तो पब्लिक इंक्वायरी की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लग गई और फाइनली ये मुद्दा इतना हाइप हुआ कि 7 सितंबर 2023 को प्रेशर में आकर टुडे गवर्नमेंट को पब्लिक इंक्वायरी सेटअप करनी ही पड़ी। फिलहाल जस्टिस मेरी और होजे होग को इस पब्लिक कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है जिसकी रिपोर्ट इंक्वायरी के बाद पब्लिश की जाएगी। पर फ्रेंड्स, क्या आपने कुछ गौर किया, पब्लिक इंक्वायरी की तारीख 7 सितंबर थी और अगर आपको याद होगा इसके कुछ 5 से 6 दिनों बाद ट्रूडेव गवर्नमेंट ने इंडिया पर निज्जर के किलिंग के लिए एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया था और इसीलिए कई मीडिया हाउसेस और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया पर एलिगेशंस लगाना सिर्फ और सिर्फ ट्रूडेव का एक एस्केप मूव था, मुद्दे को भटका दो, लोगों का फोकस कहीं और लाओ। सो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रूडेव की जनता उससे क्यों नाराज है, लेकिन यू नो व्हाट, उनके खुद के पार्टी मेंबर्स भी उनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। मैकलीन्स न्यूज़ में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के हिसाब से ट्रूडेव के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ साइरस रिपोर्टर कि जस्टिन उन्हें अक्सर डिसअप्रूविंग अंकल जैसे डिमीनिंग टर्म से चिढ़ाया करते हैं। इसी बात पर साइरस ने ट्रूडेव पर एलिगेशंस लगाया कि उनमें पेशेंस की बहुत कमी है और वो सेल्फ क्रिटिसिज्म को डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसने। यही कारण है कि उन्होंने अपने अराउंड यस मैन का एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है। वो तो देख रहा है उसको कितनी तकलीफ होती है कोई कुछ भी बोले। हां मिलाना। और अगर किसी ने ट्रूडेव के डिसीजंस पर सवाल खड़ा किया तो वेरी वियर्डली ट्रूडेव और उनकी यस मैन की टीम उस पर्सन का मजाक बनाने लग जाती है। एक ऐसे ही इंसिडेंट को मैकलीन्स न्यूज ने रिपोर्ट किया, इसका मजाक बनवा दिया था। स्कॉट ब्राइसन जो टुडेव कैबिनेट में हेड ऑफ ट्रेजर थे, एक बार उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कुछ वैलिड सवाल उठाए, तभी टुडेव और उनकी टीम उनसे नाराज हो गई और उसके बाद उसे एड्रेस करने के जगह पे उनका मजाक उड़ाने लग गई। टुडेव के चीफ ऑफ स्टाफ तो दूसरे मिनिस्टर्स के सामने स्कॉट की आवाज की नकल निकालने लग गए और टॉन्ट्स मारने लग गए कि देखो इसकी आवाज ओल्ड पीनट्स कार्टून की तरह। मतलब फ्रेंड्स, आपको बहुत ही फनी लग रहा होगा, बट सीरियसली एक G7 और डेमोक्रेटिक कंट्री का हेड ऑफ स्टेट ऐसे चाइल्डिश मैनर में बिहेव कर रहा है और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। उसी आर्टिकल में ऐसे कई केसेस मेंशन्ड है, जैसे एक बार जस्टिन ने अपने कैबिनेट के 2 मेंबर्स स्टेफनी डायन और जेन फिलपॉट को ये कहकर कैबिनेट से हटा दिया कि वो दूसरे मिनिस्टर्स को बहुत हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं। सो बेसिकली जस्टिन के ही खुद के पार्टी मेंबर्स अगर यू मीडिया में आके अपने ही लीडर को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जस्टिन अपनी ही पार्टी के सभी मेंबर्स को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे। देखो, मेरा बिलीफ ये है, मैं सब बताती हूँ। सबसे पहले क्योंकि इसका फादर जो था वो बना हुआ था, ये बचपन से वैसे ही जैसे राहुल गांधी है वैसे ही उसी तरह से बचपन में ऐश उश की जिंदगी जीवी है, कोई मेहनत करने की इसको जरूरत नहीं थी, तो उसी टाइप की उसकी आईक्यू लेवल है, उसको वही जी हजूरी दिखती है कि चाप मुझे मेरे ऊपर दिखता था कि आसपास ये बिगड़ा हुआ बेटा है, जो मांगेगा वो मिलता होगा। तो अब जब वो PM बना है वो वही कर रहा है और उसकी वजह से इसके ऊपर चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। इसकी अगर आप इंटरव्यू देखोगे वो भी इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में, इसकी एक्चुअल इंटरव्यू जो थी अभी इंडिया से रिलेटेड जो इसने खुद दी है वो हमने देखी है, उसमें वो हर चीज़ इतनी पर्सनली ले रहा है। उसको इतनी तकलीफ थी कि इंडिया के मीडिया मेरा मजाक उड़ा रहा था, इंडिया ये कर रहा था, उसको इस बंदे के अंदर ईगो बहुत है, इसके लिए इसको सिर्फ अपना वो पोजीशन ऑफ पावर चाहिए फॉर एनी रीजन, तो इस वजह से वो ये सब काम कर रहा है। अब इनके एंगल तो ये है ना कि ये जो एंगल बता रहे हैं कि क्यों वो इंडिया के पीछे पड़ा, क्योंकि वो दूसरी चीजों में फंसा हुआ था, इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस बट नॉट वन मेजर रीजन। देखिए आप, मैं तो चाइना से हटाने के लिए ये करने तो अलग बात है, मगर इंडिया अपने ऑपरेशन कर रहा था। मैं ये नहीं कह सकते कि उसने ये है, ये कह सकते हैं कि छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसे बड़ा उसने बनाया नहीं ऐसे डाइवर्ट करने के लिए। नहीं नहीं, वो ये है कि इनके पास कुछ तो वो सुनी सुनाई या उस टाइप से कुछ उनको हिंट मिला कि इसमें इंडिया का हाथ होगा, पर सबूत नहीं मिल पाए, दे कैन नॉट प्रूफ, इनके पास प्रूफ नहीं है, कोई ठोस प्रूफ नहीं है। पर
कुछ इनको शक टाइप हुआ है कि भैया इसको इसमें जो है इंडिया का या इंडियंस का कोई हाथ है, और उस बेसिस पे उसने इतना मेजर प्रॉब्लम शक कर दिया। नहीं, यूएस ने कुछ इंटेलिजेंस शेयर की थी कि ये चीजें हैं, ये कन्वर्सेशन है, इसमें तुमने खुद का एनालिसिस करना है। तुम ये मत बोलो कि हमने बताया, उसने बोला था कि हमने जो है रॉ इंटेलिजेंस दी है कि ये भाई कन्वर्सेशन है, देखना वही ये चैट की बातें हैं, इसमें जाके देखो कौन क्या बोल रहा है, उसे तो अपने लिख निकालो। इसने बस उसी को सबूत है, और यूएसए ने बोला है कि बस बोला, यूएसए ने नहीं बोला था, यूएसए ने तुम्हें रॉ इंटेलिजेंस दी थी, ये यूएसए को फंसाने की कोशिश कर रहा, यू वर सपोज टू एनालाइज दैट एंड फिगर आउट, तुमने हार्ड लिंक निकालने थे, तुमने हार्ड लिंक निकालना था, ये तो हमने तो सिर्फ थोड़ा सा डेटा दिया था तुम्हें, तुम बोल रहे हो कि यूएस ने बोला है, तो यूएसए ने बोला तुम्हें, चाल चली तो यूएसए को फंसा रहा था, यूएसए पीछे हट गया, और यूएसए अब कह रहा है कि जो हुआ था पन्नू के साथ वी आर सेटिस्फाइड, बाय बाय। उसके ऊपर भी अभी मैं हम लोग वीडियो करेंगे, इसी चैनल पे आएगी, तो वो भी जरूर देखना, वहां पे भी मैं अपने थॉट्स जो हैं, जो मैं सोच रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आप बताना कि भैया वो थॉट्स आपको कितने वो लगते हैं कि टारगेट पे एम कर रहे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।